हेलो दोस्तों, पूर्वा की पाठशाला में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हो और इसका पीडीएफ आपको मेरे सेम यहाँ पे लिंक पे मिलेगा। आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना और इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद तो ऐसा ही पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है कल। ये फर्स्ट आपका जो फेंसिंग पैसेज आएगा इसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद इसका सारा आंसर आपको यहीं इसके अंदर ही मिलेगा। ए बी सी डी जितने भी हैं क्वेश्चन ऐसे आने वाला है क्वेश्चन पेपर। फिर एक दूसरा गद्यांश आएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 में होगा, इसको भी ध्यान से पढ़ के इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इसको सॉल्व करने हैं आपको और इसको बड़े ध्यान से देखना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर पर आगे चलते जाएंगे आपको समझ में आने लग जाएगा। और ये रहा आपका ग्रामर, ये ग्रामर में जो पूछ रहा है ये पदबंध, ये आपका पदबंध हो गया। तो ये पदबंध के अंदर 5 क्वेश्चंस दिए गए, बीच बीच में लहरों की संगति सुनाई पड़ना, रेखांकित कौन सा, तो इनके क्वेश्चंस आप बड़े ध्यान से देखते हुए आगे सॉल्व करते हुए चलिए। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, रचना के आधार पर भेद, तो ये रचना के आधार पर भेद इसके आंसर भी आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। मिश्र वाक्य है, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, क्या है, बड़े ध्यान से करते हुए आपको आगे चलना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है कि समास, ये जो समास है ये भी आपके टेक्स्ट बुक से ही आ रहा है, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है और इतना ज़्यादा सरल भी नहीं है, बहुत आसान ही है। नील है जो कमल, नील कमल, ये तीसरा आंसर है। तो ऐसे आपको आंसर खुद ढूंढने हैं, मैं आपको बाद में सब डिटेल में पूरा अच्छे से समझाऊंगा। तो निम्नलिखित समस्त पद कर्मधारय कौन सा है, युगमों का ये कौन सा, अन्य लंबोदर, इनमें से 2 ही करेक्ट होंगे क्योंकि 1 मार्क्स के लिए तो 1 या 2 ही करेक्ट होंगे। ये मुहावरे देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है मुहावरे। ये मुहावरे आपके टेक्स्ट बुक से ही आएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, एवरीथिंग विल कम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। तो इसको देखते हुए आप आगे बढ़ते हुए चलते जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका पद्यांश, इट इज कमिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ये आपकी टेक्स्ट बुक से आएगा। हरी राप राख हरो जनवी भीड़ द्रौपदी लाज रखी, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही आया है। आप इसके आंसर क्वेश्चन करते हुए चलना। मीरा के जो पद है, मीरा के जो दोहे हैं उससे दिया गया है, तो ये 5 मार्क्स के लिए ये भी पूछा है, तो यहाँ से 5 मार्क्स आपके बन रहे हैं। अब ये आ रहा है ये 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन, ये थोड़ा टेक्स्ट बुक से ही आएंगे आपकी पोएम वाले लेसन से। तो 5+2 7 मार्क्स के लिए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सीन पैसेज आएगा आपकी टेक्स्ट बुक से, वहाँ हीरा मन के साथ एका करोकर, तो ये आपके टेक्स्ट बुक से ही आया है, तो इसको भी आप देखते हुए आगे बढ़ना। तीसरी कसम लेसन है आपका, ये तीसरी कसम से इसके सारे आंसर क्वेश्चन आंसर यही है, आपको बड़े ध्यान से इसको पढ़ते हुए इसके आंसर सॉल्व करने। फिर आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन सेम तीसरी कसम जो रिलेटेड है वाजी रैली और जो लेसन है वहाँ से ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 5+2 अगेन 7 मार्क्स के लिए आ गया। खंड बा वर्णात्मक, तो ये भी आपका अनसिंग पैसेज है, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन एंड आंसर है, इसको बड़े ध्यान से करना है। देखो यहाँ पे मैं मतलब ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है मैं उस चीज़ को बताता हूँ, बाकी सब चीज़ आपको पता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सोचते हैं कि देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, इफ़ यू विल रीड दिस क्वेश्चन हाउ मच बिग इज देयर, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ने के बाद वो लास्ट पे क्या पूछ रहा है, यार ये क्वेश्चन ये है एक्चुअली, दिस इज द क्वेश्चन, ये आपने पूरा पढ़ लिया ना, ये पूरा पढ़ने के बाद वो पूछ रहा है कि इस प्रसंग और झेन की देन में वर्णित भाव में कौन कौन सी समानताएं हैं स्पष्ट कीजिए। तो समानताओं को स्पष्ट करना है, ये पूरे क्वेश्चन को स्पष्ट नहीं करना है, ये क्या बोल रहा है, झेन की देन जो है इसमें क्या समानताएं हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन तीसरी कसम फिल्म, इसमें लास्ट पे तर्क देते हुए अपने विचार विकट कीजिए, मतलब अपने विचार से लिखना है, टेक्स्ट बुक से जो आपकी समझ में आया है वो आपको अपने विचारों से लिखना है। और यहाँ पे डायरी का एक पन्ना पार्ट देश की युवा पीढ़ी को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है स्पष्ट कीजिए, तो ये भी आपको अपने शब्दों में लिखना है, ये नहीं कि आपको टेक्स्ट बुक से ही जो है वो लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, आपको स्पष्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के 2 उत्तर दीजिए, लास्ट पे क्या बोल रहा है, कर चले हम फिदा, यहाँ से इसका मेन क्वेश्चन ये बन रहा है, ये मेन क्वेश्चन बन रहा है, तो यहाँ से आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पे ये मानवीय मूल्यों को दिन ह्रास हो रहा है जो सही है या नहीं है, आपको अपने शब्दों में लिखना है, ये चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, सोचा हुआ यार इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या लिखूंगा क्या समझ में आएगा, अरे यार पूछ क्या रहा है वो समझना है ना, मनुष्यता के आधार पर बताइए कि ये पूछ क्या रहा है, वो उस चीज को लिख रहा है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों, मतलब टेंशन क्यों लेनी है। अब ये पूछ रहे कबीर की साखियों में कौन से जीवन मूल्य उभरते हैं, ओनली वैल्यूज यू हैव टू राइट, कबीर की साखियों में कौन सी वैल्यूज बताइए उसको पॉइंट आउट करके बिंदास लिखिए।
ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हरिहर काका, यह है इनका हरिहर काका की पूरी रामायण पढ़ने के बाद क्या परिवर्तन आते हैं। उपयुक्त संदर्भ के अनुसार हरिहर काका के परिवार के लोग अपने बारे ये लिखना है, ये पूछा है, कारणों के साथ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इनके आंसर सॉल्व कीजिए, बाकी की आंसर आपको अब देखिए ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ये तीन टॉपिक दिए, इसमें से हम 4 रन से पिछड़ गए तो खिलाड़ियों की मनोदशा, ये टॉपिक को पॉइंट करके लिखना है। अगर आप इन टॉपिक को पॉइंट करके लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, आप टॉपिक को पॉइंट ही नहीं करते, प्रॉब्लम ये। ठीक है, आपके अपने बचत खाते में चेकबुक हो गई है, इसमें क्या लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, बैंक के लिए पत्र लिख रहे हो, तो पत्र लेकर लिखने की कोई स्पेशल नहीं है, सेम पत्र लेखन का जो फॉर्मेट होता है 4 दिन की छुट्टी मांगने के लिए, द सेम फॉर्मेट में आपको लिखना है, खाली अता पता एड्रेस चेंज करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप इसको आराम से देखिए, इसका लिंक आपको मिलेगा, आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको सच में क्वेश्चन पेपर यूजफुल लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर मार देना। कमेंट में आप जो पूछोगे आपको आंसर इमीडिएटली मिलेगा और इसकी की आंसर आपको बहुत जल्दी अवेलेबल मिलेगी। धन्यवाद।